नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किस देश में कुत्ते की पूजा की जाती है? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान में, बी मलेशिया में, सी भारत में, डी नेपाल में। आप का सही जवाब होगा डी नेपाल में। आपका दूसरा सवाल है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? आपका ऑप्शन है ए ऊंट का, बी जिराफ का, सी हिप्पो का, डी बंदर का। सही जवाब होगा सी हिप्पो का। आपका तीसरा सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी गोवा, डी सिक्किम। आपका सही जवाब होगा सी गोवा। आपका चौथा सवाल है, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी मुख्यमंत्री। आपका सही जवाब होगा ए राष्ट्रपति। आपका पांचवा सवाल है, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? आपका ऑप्शन है ए गुलाब, बी नीलकंठ, सी सदाबहार, डी नीलकुरुंजी। आपका सही जवाब होगा डी नीलकुरुंजी। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 6, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन के, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन ए। आपका सही जवाब होगा बी विटामिन डी। आपका सातवां सवाल है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा डी उत्तर प्रदेश। आपका आठवां सवाल है, शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए मोर को, बी हंस को, सी कबूतर को, डी कोयल को। आपका सही जवाब होगा सी कबूतर को। आपका अगला सवाल है 9, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा ए चीन। आपका दसवां सवाल है, 7 अजूबों में कौन सा एक अजूबा भारत के आगरा में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जंतर मंतर, बी चामिनार, सी लाल किला, डी ताजमहल। आपका सही जवाब होगा डी ताजमहल। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए बुधवार ग्रह, बी शुक्रवार ग्रह, सी मंगलवार ग्रह, डी बृहस्पतिवार ग्रह। आपका सही जवाब होगा बी शुक्रवार ग्रह। आपका अगला सवाल है 12। रोटी किस गैस के कारण फूलती है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन डॉट, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला सवाल है 13। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए आम, बी अशोक, सी बरगद, डी पीपल। आपका सही जवाब होगा सी बरगद। आपका अगला सवाल है 14। किस देश के लोग सांप खाते हैं? आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा बी चीन। आपका अगला सवाल है 15। लाल किला को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा था? आपका ऑप्शन है ए 15 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 10 वर्ष। आपका सही जवाब होगा डी 10 वर्ष। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस स्थान पर होता है? आपका ऑप्शन है ए मेघालय में, बी मिजोरम में, सी त्रिपुरा में, डी मणिपुर में। आपका सही जवाब होगा हे मेघालय में। आपका अगला सवाल है 17। पूरे दुनिया में एक शक्ल के कितने लोग होते हैं? ए 2 लोग, बी 7 लोग, सी 5 लोग, डी 9 लोग। आपका सही जवाब होगा बी 7 लोग। आपका अगला सवाल है 18। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा को, बी गुजरात को, सी कश्मीर को, डी आंध्र प्रदेश को। आपका सही जवाब होगा डी आंध्र प्रदेश को। आपका अगला सवाल है 19। तोते की तरह के फिरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, बी किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, सी दोस्त के साथ विश्वासघात करना, डी बिना सोचे समझे निर्णय करना। आपका सही जवाब होगा हे पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। आपका अगला सवाल है 20। काला गुलाब कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी तुर्की, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा सी तुर्की। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है किस त्योहार पर हम दीपक जलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए दीपावली, बी स्पेस स्पेस डॉट होली, सी दशहरा, डी मकर संक्रांति। आपका सही जवाब क्या होगा?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।